हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है आज है संडे। तो कुछ काम पेंडिंग थे, बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ मीठे में बना के रखूं, क्योंकि ना शाम में डिनर के बाद या फिर इवनिंग के टाइम थोड़ा सा लगता है कि कुछ मीठे में हो जाए। जा रही हूँ बनाने बेसन के लड्डू। उसके बाद एक काम मेरा पेंडिंग और है, मुझे मलाई चलानी है, घी निकालना है, वो भी खट्टा हो गया। संडे वाले दिन ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। बनाते हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने बेसन लिया है 3 बाउल। ये मैंने नापने के लिए लिया है, इसमें मुझे किसी भी घी में या चीनी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने इससे 3 कटोरी बेसन ले लिया है और मैं इसे भूनूंगी। पहले इसको ना ऐसे ही थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। क्योंकि ऐसे रोस्ट करने से अपन, अगर बेसन आपका थोड़ा पुराना भी है, जैसे कि काफ़ी दिन रखा हुआ है, तो उसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। मैं पहले इसको ऐसे रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद उसको घी डालूँगी। थोड़ा सा ही करेंगे, बस थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी जैसे ऐसे हम इसमें घी डालेंगे। अच्छा, मेजरमेंट इसका क्या है? 3 कटोरी बेसन लेती हूँ मैं, तो 1 कटोरी घी और 1.5 कटोरी शुगर। शुगर पीस के डाल लो या भूरा डाल लो, तो पता बाहर की मिठाई से ज़्यादा बेस्ट लगता है। घर में आप कुछ बना के रख लो तो वो हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट नहीं होती और सारे ड्राई फ्रूट्स और घी सब कुछ आपके अंदर जाता है बॉडी। और ऑलमोस्ट मुझे लड्डू को भी बनाने ही नहीं होते हैं। लड्डू मम्मी ही मेरी रखती है। इस समय मेरी मम्मी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा मैं खुद ही बना लूँ। कोई भी चीज़ होती है ना, जब हम उसे अपने हाथों से बनाते हैं तो वो चीज़ हमें और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अपने हाथों से बनी चीज़ की भांति अलग होती है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा भर के घी ऐड करते हैं, एक साथ ही डालेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, भुनने में आ गया है और ये देखिए घी जो है उसको छोड़ रहा है। और मैंने इसमें 1 कटोरी पूरा घी डाल दिया है, 1 कटोरी और 2 चम्मच जो ये नॉर्मल स्पून होती है ना हमारे खाने की, ये वाली। अब इसको थोड़ा सा और भुनेंगे, जब तक थोड़ा सा और घी नहीं छोड़ते, थोड़ी सी और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। मैं इसमें भूनते टाइम ही ना 1 पिंच के करीब इलायची पाउडर डालूंगी। ये अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसको बर्तन में कटोरी बूरा डाल लिए। अब मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप जितने बड़े बनाना चाहें बड़े बना सकते हैं। ये मेरे लड्डू बनके तैयार हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इनमें खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इवनिंग की चाय बन चुकी है और मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा भूख लग रही है तो मैं जा रही हूँ। ये ब्रेड, इसमें लगाऊंगी चॉकलेट सिरप, अच्छा फ्रूट जैम। एक ब्रेड ली है मैंने, इसमें मैं लगाऊंगी जैम। बहुत तो भूख लग रही थी मुझे, मैं इस टाइम क्या बनाऊँ, इसलिए मैंने सोचा मैं ब्रेड लेती हूँ, क्योंकि डिनर आज हम लोग बाहर करने वाले हैं, तो मैंने इसलिए कुछ बनाया नहीं है। मैं अभी बस मैं लड्डू बना के फ्री हुई हूँ और अब मैं चाय पीऊँगी। चाय के बाद फिर मुझे घी भी निकालना है, तो मैं मलाई चलाऊँगी। बस उसके बाद हम लोग रेडी भी डिनर के लिए जाएंगे, तो आउटिंग करेंगे।
बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट सिरप ब्रेड पे, मजा ही आ जाता है। और वो भी आप जैम के साथ खाओ तो जैम का फ्लेवर आता है, चॉकलेट का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए पान गया, बहुत अच्छा था, डिलीशियस था। तो मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, जो क्योंकि हमें अपना पहले काम कंप्लीट करना है, जिसमें मेरी रह गई है मलाई चलानी, घी बनाना। तो मैं इससे चलाती हूँ मलाई, बहुत जल्दी चल जाती है, और अब मैं इससे मलाई चलाऊँगी। बस इससे मलाई चलाते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसको अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं डायरेक्शन जो इसका सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने एक बार उसको ऐसा कर दिया फिर एक बार ऐसे कर दिया, नहीं हमको इसी डायरेक्शन में चलाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने घी बन के रख दिया है लो फ्लेम पे, अब ये धीरे धीरे पकेगा तब मैं जाके करूँगी। रेडी हो चुकी हूँ डिनर पे जाने के लिए। आप सोच रहे हो मैंने कोई ड्रेस चेंज की, ड्रेस नहीं चेंज करी है, बस इसके नीचे जींस कैरी कर ली है। तो चलिए चलते हैं। हम लोग डिनर कर करके आ चुके हैं, बस आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।